आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की बड़ी खबर को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं, नसीर कुरैशी। हम आपको बता दें कि भदोही जिले से कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां 18 मई को मुंबई से आए दो प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद दोनों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों प्रवासियों की मौत के बाद जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इसी तरह हम आपको दूसरी खबर भी दिखाएंगे, जहां भदोही तहसील क्षेत्र के नई बाजार में एक सरकारी जमीन को अपना बताने वाले के मंसूबे को जिला प्रशासन ने फेल कर दिया है। देखिए भदोही जिले की यह दोनों बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि यह दोनों मजदूर भदोही के थे और मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। एक मजदूर सूर्यामा के कडोर गाँव का था तो दूसरा ज्ञानपुर के सरपताहा गाँव का। सरपताहा गांव निवासी मौजी रामपाल मुंबई में रहकर ऑटो चलाता था, जहां वह ट्रक के जरिए मिर्जापुर के लालगंज पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई थी। भदोही से पहुंचे परिजनों ने उसका शव लाकर अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तभी स्थानीय पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से रोकते हुए जांच के लिए सैंपल भेजा था। जांच में मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह सूर्यावा का दूसरा व्यक्ति भी ट्रक द्वारा मुंबई से जंघई पहुंचा था, जहां साइकिल से वह अपने घर सूर्यामा के गडोर गांव जा रहा था। जैसे ही वह छतमी गांव के समीप पहुंचा, तभी अचानक उसके शरीर में अकड़न होने लगी और वह साइकिल से नीचे गिर पड़ा। इस प्रवासी मजदूर को पहले तो सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्रवासी मजदूर को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही के लिए रेफर कर दिया था, जहां भदोही आते समय एम्बुलेंस में ही प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी। प्रवासी मजदूर का शव भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में कई घंटों तक पड़ा रहा। अब जांच के बाद उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। अब दोनों प्रवासी मजदूरों के मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मृतक के उन परिजनों की तलाश तेज कर दी गई है जो उनके संपर्क में आए थे। बता दें कि कडोर गांव निवासी इस प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जब उसके शव का अंतिम संस्कार करने लोग रामपुर घाट पहुंचे थे, तो वहां भी ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए अंतिम संस्कार करने से रोक दिया था। साथ ही एम्बुलेंस पर पथराव भी किया गया था। हालांकि बाद में पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह शव का अंतिम संस्कार किया गया था। कोरोना से जुड़ी यह बड़ी खबर आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देख रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह यह है कि दोनों मृतकों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जहां जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दोनों गांव को हॉट स्पॉट घोषित करते हुए सील करने की तैयारी की जा रही है। यह दूसरी खबर भदोही तहसील क्षेत्र के नई बाजार की है, जहां एक सरकारी जमीन को अपना बताने वाले का मंसूबा उस वक्त फेल हो गया जब शिकायत पर SDM भदोही आशीष कुमार मिश्रा व DSP भदोही भूषण वर्मा मौके पर पहुंचे। जमीन की नापी कराई गई और नक्शा देखा गया तो यह करोड़ों की जमीन सरकारी निकली, जबकि क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उक्त गढ़ई नुमा भूमि को अपना बता रहा था। बता दें कि सेंट मैरी स्कूल के समीप करोड़ों रुपए की या सरकारी जमीन मौजूद है। इस सरकारी जमीन पर कुछ लोग निगाह गड़ाए हुए हैं। सेंट मैरी स्कूल के रास्ते के ठीक बगल काफी गहरा गढ़ई नुमा या सरकारी भूमि मौजूद है। बारिश में भारी भरकम गढ़ई में पानी भर जाता है, जिससे स्कूल संचालकों को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कोई स्कूली बच्चा फिसल कर पानी में न चला जाए। सुरक्षा के दृष्टि से स्कूल संचालक कुछ फीट की चहरदीवारी उठवा रहे थे, जिससे कुछ लोगों ने इस भूमि को अपना बताते हुए चहरदीवारी निर्माण कार्य को रोक दिया था, जहां SDM भदोही DSP भदोही सहित लेखपाल व राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचे। जमीन की नापी कराई गई, नापी के बाद यह भूमि सरकारी निकली, जिससे सरकारी जमीन को अपना बताने वाले का मंसूबा फेल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है और 242 कई व्यक्तियों के मध्य चमेला देवी और सेंट मैरीज और कई लोगों के मध्य मिनजुमला का नंबर है। तो सेंट मैरीज स्कूल के प्रबंधक के द्वारा ये रास्ते पर, क्योंकि बगल में खाई है, गड्ढा है और तमाम बच्चे यहाँ से निकलते हैं, पानी उनी भर जाता है तो उसमें गिरने का डर था, तो उसी के लिए वो बाउंड्री वॉल कर रहे थे कि बच्चे उस पर ना गिर पाए। इसको लेके चमेला देवी के पुत्र द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये मेरा नंबर है और यहाँ पे किसी प्रकार निर्माण नहीं होगा। उसी का डिमार्केशन करा दिया गया, उनको बता दिया गया कि वो अपनी जमीन के, चूंकि उनका कब्जा नहीं है मौके पे,
116 में उप जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल करें और वहां से अपना बंटवारा करा लें। बंटवारा के बाद उनकी जमीन जहां निकलती है वहां पे वो अपना कब्जा लें। और यहां पे जो विवाद हो रहा था वो मिथ्यापरक है, यहां उनकी कोई जमीन नहीं है।